आज हम बनाएंगे बाटी, जिसके लिए हमें लेना है चना और इसके लिए लेना है हमें अदरक लहसुन और मिर्ची। इसका दोनों का हम पेस्ट बनाएंगे। चने का पेस्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे कटे हुए कुछ बारीक कांदे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़े से जीरा डालेंगे, ये हमारा जाएगा जीरा। अब हम डो की तैयारी करेंगे। नॉर्मल डो, जिस तरह हम तैयार करते हैं आटा गूंथते हैं, उसी तरह हमको आटा तैयार करना है। हमने आटे को कुछ इस तरह तैयार कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे और हम बनाने की तैयारी करेंगे ऐसे। इसमें हम थोड़ा सा डो भरेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, देख सकते हैं आप हमारा एकदम अच्छी तरह से, और थोड़ा सा दबाएंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी बाटियां कुछ इस तरह तैयार कर ली है। अब हम इन्हें सेकेंगे। बाटी सेकने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह बर्तन है, जो मार्केट में बहुत आसान ही तरह से अवेलेबल है। यह बर्तन आपको किसी भी दुकान पे बर्तन की आसानी से मिल सकता है। आप कुछ इस तरह से रख देंगे। मैंने कुछ आलू रखे हैं और ये है कुछ बाटियाँ मेरी जो तैयार होंगी और सिकेंगी। सिकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं हमारा दाल बाटी चूरमा तैयार हो चुका है। सादी सी दाल है और आलू का